ये देख मुंडी घूम रही है। सूर्य होटल वाला रावण ये देख सकते हो गाइस, ये खड़ा हो चुका है। तो ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 100, ये देख सकते हो कितना बढ़िया रावण है। तो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज है दशहरा और आज ही के दिन मेरी वीडियो जो है वो 200,000 क्रॉस होने वाली है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि 5-6 घंटे के अंदर मेरे 10,000 व्यूज हो जाएंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच पिछली वाली वीडियो के लिए। तो अब चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का काउंट डाउन मैं अपने घर की छत से स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस ये देखो मेरे घर के नीचे मेरे छोटे भाइयों ने, मतलब मेरे सारे भाइयों ने मिलकर बनाया जो कि हमारा रावण है। घर के नीचे लगता है हमारे, ये है गाइस रावण नंबर 1 जो कि सच में ही नंबर 1 है। एक बार देखो कितना अच्छा बना रखा है लोगों ने, और ये रावण बहुत कम टाइम में तैयार हुआ है। और इसी के साथ हमारा ई ब्लॉक में लगता है जो, ये है गाइस रावण नंबर 2 जो कि हमारा रंजीत नगर का रावण है। उसी के साथ ये रहा हमारा रावण नंबर 3 जो कि थोड़ा छोटा है। गाइस मैंने अपने घर से ही आपको 3 रावण दिखा दिए हैं। अब नीचे चलते हैं और पूरी दिल्ली के रावण कवर करेंगे और पिछली वीडियो से इसको बेहतर बनाएंगे। सो गाइस फाइनली अब सौरभ भी आ चुका है, अब हम स्कूटी पे हैं, अब आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया। सो गाइस काउंटडाउन को चालू रखते हैं। छत से ही मैंने आपको 3 रावण दिखा दिए, अब चलते हैं हम अपनी ब्यासी स्टैंड वाली रोड पे। ये तू ले ले भाई, लेफ्ट ले ले यहां से। वहां भी गाइस बहुत बड़ा रावण खड़ा होता है, अब देखते हैं इस बार है या नहीं। गाइस ये रहा अपना ब्यासी स्टैंड का, ये है रावण नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सौरभ बता रहा है कि कल से यहीं पे था, इसमें बम वगैरह फिट कर रहे थे। देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया रावण है। चलो अब आगे का बी ब्लॉक में दिखाते हैं आपको। अब हम आ चुके हैं अपने बी ब्लॉक में। ये डबल फेस वाला रावण देख सकते हो आप, ये है रावण नंबर 5। ये है गाइस रावण नंबर 6 जो कि ये लेटा हुआ है। वो रहा गाइस रावण नंबर 7, और इसी के पीछे जो है ये है रावण नंबर 8। तो अभी सिर्फ अपनी रोड पे मैंने आपको 8 रावण दिखा दिए। एक रावण मुझे सामने दिख रहा है अभी, वो वाला भी देखते हैं, काफी बड़ा रावण है वो। इसको मिला के हमारे टोटल 9 रावण हो जाते हैं। ये है रावण नंबर 9 जो कि ये भी काफी बड़ा रावण है, ये भी हमारे यहीं पे लगता है। तो अब चलते हैं हम सीधी रोड पे पांडव नगर वाली, अब वहां के दिखाते हैं आपको। सो गाइस अब हम पांडव नगर वाली रोड पे आ चुके हैं और यहाँ भी एक बहुत अच्छा रावण खड़ा है, देख सकते हो आप। ये देखो कितना अच्छा बनाया, ये है गाइस अपना रावण नंबर 10। एक और बात, इस वीडियो में मैं छोटे रावण नहीं गिनूंगा क्योंकि अगर मैं छोटे रावण गिनूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आपको सारे जो बड़े रावण होते हैं वही दिखाऊंगा। सो गाइस ये पीछे देख सकते हो, ये है रावण नंबर 12, और यहाँ पे वो भी चल रही है जो वो होती है, जो भी होती है, एंजॉय करो। गाइस इस गली में खड़ा है रावण नंबर 13 जो कि काफी अच्छा रावण है, एक बार देख सकते हो आप। तो गाइस इसी पार्क में रावण नंबर 14, 15 और 16 खड़ा है, ये देख सकते हो आप कितना यूनिक रावण है ये वाला ब्लैक वाला। अभी वो वाला आपको आगे से दिखाता हूँ, ये काफी बड़ा रावण है, ये देख सकते हो गाइस अपना रावण नंबर 16, काफी अच्छा रावण है ये भी, ये बनाया हुआ है। सो गाइस सामने ही पार्क के अंदर एक और रावण है जो कि हमारा रावण नंबर 17 होगा, ये भी काफी बड़ा रावण है। सो गाइस ये रहा अपना रावण नंबर 18 जो कि इतना अच्छा रावण है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा रावण है, ये भी काफी बड़ा रावण है जो कि अभी खड़ा नहीं हुआ, अगर ये रावण खड़ा होता तो मजा आ जाता कसम से। तो गाइस एक रावण हमारा सामने रखा है जो कि है रावण नंबर 19, ये भी काफी बड़ा रावण है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर सारे बड़े ही है। सो गाइस अभी हमारे सामने खड़ा है रावण नंबर 20, इसी के सामने, इसी के ठीक पीछे एक रावण खड़ा है जो कि है रावण नंबर 21, इसी के पीछे एक और खड़ा हो रहा है जो कि है रावण नंबर 22, और अब चलते हैं राइट वाला, तेरा अपना 10 मुंह वाला रावण जो कि रावण नंबर 23 है, ये खड़ा होने वाला है, देख सकते हो गाइस इतने सारे मुंह है इसके, क्या लग रहा है। कब खड़ा होगा भैया, कर रहे हो, जलने का टाइम क्या है, 9 बजे, ठीक है आऊंगा भैया देखने, सबसे अच्छा रावण है अभी तक का, ये देख सकते हो गाइस कितने सारे। अपना रावण नंबर 24 अभी और दिखाता हूँ, इसी रोड पे बहुत सारे हैं, ये देख सकते हो कितना गहरा गड्ढा कर रहे हैं, जेसीबी की खुदाई हो रही है यहाँ पे। ये एक रावण लेटा हुआ है, ये है रावण नंबर 25, इसमें भी काफी सारे बम लगे हैं भाई, बम के मामले में तो बहुत है। और ये रहा हमारा रावण नंबर 26, इसका फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो गाइस कितना अच्छा रावण है ये भी। अब आपको सुभाष नगर के दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं सुभाष नगर, और ये रहा हमारा रावण नंबर 27 जो कि इतना सुंदर रावण है भाई, कैसे खड़ा कर लेते हैं भाई, इतना बढ़िया लग रहा है रावण। उसी के सामने हमारा ये है रावण नंबर 28, ये थोड़ा मोटा रावण है, अभी जाके दिखाता है, थोड़ा यूनिक है, बस इस रावण को थोड़ी सी जिम की जरूरत है।
हाँ गाइस, अपना रावण नंबर 29 एक बार फ्रंट से देख सकते हो, भाई कितना भयंकर लग रहा है भाई। गाइस अपना रावण नंबर 30 जिसकी यार मुंडी यार थोड़ी टेढ़ी हो गई यहाँ पे यार। एक और पिछले साल भी लगा था जिसकी मुंडी पेड़ से अटक गई थी। ये ना गाइस पता क्या होता है, ये पेड़ की वजह से होता है, वरना कितना अच्छा रावण था ये देख सकते हो आप। पेड़ की वजह से इसकी मुंडी टूट गई। सो गाइस ये रहा अपना रावण नंबर 31 जो कि उस टेंट में रखा था, पिछली बार वीडियो बनाई थी, ये खड़ा हो चुका है देख सकते हो आप, काफी अच्छा रावण है। इसी के पीछे शेरवानी वाला जो अपना रावण है, रावण नंबर 32 ये वाला दिखाता हूँ आपको एक बार, जिसकी मुंडी घूम रही थी पिछले साल। देखो गाइस कितना अच्छा बनाया हुआ है, धूप थोड़ी अपोजिट है इसलिए ये सही से दिख नहीं रहा है। और पीछे एक और रावण खड़ा है, रावण नंबर 33, ये भी काफी अच्छा रावण है। तो गाइस हमने आपको अभी तक 33 रावण दिखा दिए, अब हम जाते हैं सूर्य होटल वाली रोड पे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं सुभाष नगर के सबसे फेमस रावण में जो कि है सूर्य होटल वाला रावण। ये देख सकते हो गाइस ये खड़ा हो चुका है, कितना अच्छा बनाया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, ये देख सकते हो आप। जवाब नहीं आ रहा इस रावण का कुछ। सो गाइस ये देख सकते हो अपना रावण नंबर 35 जो कि खड़ा होने वाला है। इसी के साथ ही छोटा रावण है, छोटा रावण नहीं गिनना होगा इसमें इस वीडियो में। और ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 36, इसकी मतलब ठीक ठाक लेंथ है इसलिए इसको काउंट कर रहा हूँ, इतनी लेंथ में कवर करूँगा इस वीडियो में। गाइस ये रहा अपना रावण नंबर 37 जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मेन मार्केट वाला। गाइस हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी इस वीडियो में इतना ही मज़ा आ रहा होगा। और हाँ वीडियो को पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि नॉर्मल रावण मैं इस वीडियो में कवर कर ही नहीं रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है गाइस ऐसी वीडियो बनाने में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। ये रहा अपना रावण नंबर 38 और ये रहा अपना रावण नंबर 39 जो कि दोनों वाओ कितना अच्छा लग रहा है यार ये भी। गाइस एक रावण ये गली में रखा हुआ है जो कि होता है रावण नंबर 40, तो टोटल हमने 40 रावण यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रावण है। सारे यहाँ पे लगभग बियर्ड वाले रावण बना रहे हैं। एक और बात, हम यहाँ के रहने वाले इतने नहीं हैं तो हमें ना एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं पता होती, तो बहुत सारे रावण इस वीडियो में छूट भी जाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपको रावण दिखाएं। सो गाइस ऑलमोस्ट जो सुभाष नगर के फेमस रावण है वो सारे हमने कवर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं करमपुरा, अब वहाँ के दिखाते हैं आपको। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्कूल के अंदर भी 3 रावण खड़े हैं जो कि रावण 41, 42 और 43, यहाँ टोटल हमारे 43 रावण हो चुके हैं। इन भाई का स्कूल है, कब फूटते हैं ये भैया? रात के 8:30 बजे, 7:30। यहाँ पे हमें बच्चे भी मिले हैं, अपना नाम बताओ एक एक बार। हमारा नाम प्रेम है। आपका? 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 तो तुम भी रावण देखने आए हो यहाँ पे? जी भैया हम बना भी रहे हैं। अच्छा बना भी रहे हो? जी। अच्छा हेलो, आपका क्या नाम है? ईशान। आप भी रावण देखने आए हो? कैसा कैसा लगा रावण? हमारा रावण देख लो वहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे? 5 ब्लॉक में है। हमें सुभाष नगर में हमारे गाइड मिल चुके हैं, ये हमारा भाई है, अभी हमें रावण दिखाएगा यहाँ के। इन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा रावण है जो कि हम मिस करने वाले थे। सुभाष भाई हमसे रेस लगाते हुए। सो गाइस ये रहा अपना रावण नंबर 44 जो कि अभी खड़ा नहीं हुआ है, ये भी काफी अच्छा रावण था। और ये रहा गाइस हमारा रावण नंबर 45, इसको एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस रावण नंबर 45 कितना अच्छा रावण है ये भी। इसी के सामने ये हमारा रावण नंबर 46, ये भी काफी अच्छा रावण है। और उसी के साथ ये रहा हमारा रावण नंबर 47, ये देखो भाई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार ये, वरना ये भी बहुत अच्छा रावण था। रावण नंबर 48 जो कि खड़ा होने वाला है, और ये रावण नंबर 49 और ये 50, भाई कितने अच्छे रावण है, एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखो कितना अच्छा रावण है। अच्छा यहाँ का तो हमने देखा हुआ है, ये देखो ये देखो हमारा रावण नंबर 50 भाई, मेन मार्केट वाला अपना, इसको मैंने गिन लिया। सो गाइस ये रहा हमारा रावण नंबर 51 जो कि काफ़ी अच्छा रावण है, अभी देख सकते हो वर्क किया हुआ है थर्मोकोल से। ये रहा हमारा रावण नंबर 52 जो कि तुमने बनाया है, कब खड़ा करोगे? अभी थोड़ी देर तक। ये रहा हमारे 3 रावण और यहाँ पे टोटल मिला के 56 हो जाते हैं, ये आपको एक बार सामने से दिखा। सो गाइस यहाँ देख सकते हो आप रावण नंबर 56 हो जाते हैं हमारे। ये रहा अपना रावण नंबर 57, ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 58, तो ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 59 जो कि चश्मा वश्मा लगा रखा है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं करमपुरा और यहाँ भी पिछली बार की तरह ही सेम, यहाँ पे अभी रावण जो है खड़े नहीं हुए हैं, काफी अच्छा हो यार देख कितना मस्त रावण है ये, कितना बड़ा है। ये हमारा रावण नंबर 60 होता है और ये हमारा रावण नंबर 61,
ये देख सकते हो दोनों के दोनों इतने अच्छे रावण है। ये रहा अपना रावण नंबर 60, यहाँ पे जो हर साल की तरह दो रावण लगते हैं, रावण नंबर 63 और रावण नंबर 64 पीछे अपना रावण नंबर 65 गाइस, अपना रावण नंबर 66 जो कि खड़ा होने वाला है बस। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 67 और ये वाला रावण मैंने काउंट कर लिया है एक बार सामने से, देख सकते हो इसको, देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है रावण नंबर 67। गाइस इसकी मुंडी देख सकते हो घूम रही है धीरे धीरे, तो इसकी शायद मुंडी घूमेगी, मुंडी घूमने वाला रावण है, ये देख सकते हो मुंडी धीरे धीरे घूम रही है। ये देख मुंडी अपना रावण नंबर 68 जो कि खड़ा होने वाला है, ये देखो कितनी यूनिक चीज है भाई, ये तो वहीं चल के दिखाता हूँ। गाइस अपना रावण नंबर 69 जो कि डबल साइडेड रावण होने वाला है इस बार, काफी यूनिक है ये भी, अभी दिखाता हूँ आपको, उस साइड ब्लू है और इस साइड रेड है। तो ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 71 जो कि काफी फेमस रावण है, काफी अच्छा लगता है यार, ये बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब योद्धा टाइप बनाते हैं इसको। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 72 जो कि सामने खड़ा है, हंस रहा है, ये देख सकते हो ये भी काफी अच्छा रावण है, नीचे है, खड़ा होने वाला है रावण नंबर 73 और यहीं लेफ्ट में रावण नंबर 74 खड़ा है, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये ब्लू कलर का। ये देखो गाइस अभी ना धूप अपोजिट साइड है से ये सही से नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत प्यारा रावण है, ये देखो गाइस अपना रावण नंबर 75 जो कि काफी अच्छा लग रहा है, ये भी कमर पे हाथ रखे हुए इसने। तेरा अपना रावण नंबर 76 ये पता नहीं मेरी हर वीडियो में ऐसे लेटा हुआ दिखता है क्योंकि ये रेडी नहीं है अभी, अब इसकी वीडियो आपको रात को दिखाऊंगा। ये रहा अपना रावण नंबर 77 जिसके चार मुंह है, ये आगे से भी दिखेगा और फ्रंट से बैक से भी दिखेगा। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 78 और ये रहा अपना रावण नंबर 79 और ये रहा हमारा रावण नंबर 80। यहाँ देख सकते हो लाइन से कितने सारे देखने को मिल रहे हैं, बम तो सही लगा रहे हैं बच्चे भी। गाइस अपना रावण नंबर 81 जो कि थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अच्छा है। गाइस हमारा कुत्ता, सॉरी ये तो कुत्ती है। ये रहा गाइस रावण नंबर 82 जो कि बहुत बड़ा है और ये सामने जो लगा है रावण नंबर 83 ये भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये देखो ये अच्छा है। बहुत सारे तो यहाँ पे ऐसे रावण है जिनको हम गिन ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो या तो किसी की छत पे रखे हुए हैं, अभी गड्ढे हो रहे हैं, मतलब हम आपको एक रो बता रहे हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन पे अप्रोक्सीमेटली इतने रावण हैं। ये दो रावण साथ खड़े हैं 84 और 85 और ये एक और खड़ा है 86, तो यहाँ पे हमारे टोटल 86 रावण हो जाते हैं जो कि बिल्कुल साथ खड़े हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं अपन पटेल नगर में, अभी आपको यहाँ के दिखाता हूँ। ये रहा अपना रावण नंबर 87 पटेल नगर का, अपना रावण नंबर 88 जिसको मैं कल भी कवर कर चुका हूँ, रावण नंबर 89 नंबर 90 जो कि खड़ा होने वाला है बस, वो पीछे रावण नंबर 91 जो कि यहाँ का सबसे फेमस रावण है। तो गाइस रावण नंबर 91 हमारा फेमस रावण, फ्रंट से देख लो इसको एक बार, थोड़ा मुंडी टेढ़ी हुई है लेकिन बहुत बढ़िया फटता है ये, और यही सेम यही वाला जो रावण है इसी का छोटा मॉडल बना है, पिछले साल ये बना था, ले आओ यहाँ पे। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 92 पटेल नगर में भी काफी खड़े हो चुके हैं। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 93 जो कि काफी अच्छा लग रहा है, ये अभी घाघरा नहीं पहनाया इसको लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। गाइस अपना रावण नंबर 94 तेरा अपना रावण नंबर 95 जो कि यहाँ बीच में खड़ा होता है, ये भी काफी अच्छा है। गाइस रावण नंबर 96 जो यहाँ पे कॉलोनी में लगता है, काफी बड़ा रावण है ये भी। गाइस रावण नंबर 97 जो कि यहाँ आर्चिस के बाहर लगता है। तो गाइस तेरा अपना रावण नंबर 98 अभी उसको फ्रंट से दिखाते। तो गाइस कितना बड़ा रावण है रावण नंबर 98, वाइड एंगल पे दिखा रहा हूँ तो दिख पा रहा है। ये रहा गाइस अपना रावण नंबर 100, ये देख सकते हो कितना बढ़िया रावण है, ये यहीं पे चाइना चौक के नीचे लगता है, देख सकते हो आप, बहुत सालों बाद लग रहा है इधर रावण। भाई देख सकते हो हमारे घर के नीचे वाला रावण भी जो है खड़ा हो चुका है, अब काफी अच्छा बना रखा है ये भी। तो गाइस हमारा रावण भी खड़ा हो चुका है, ये वाला घर के नीचे वाला काफी अच्छा बना ये भी। तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो चुकी है यार, इतना ट्रैवल करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल ही लगता है। आप सोचो मैं रहता हूँ शादीपुर, यहाँ से मैं गया पटेल नगर, पटेल नगर से पांडव नगर, पांडव नगर से सुभाष नगर, फिर वहाँ से घूम के करमपुरा और फिर मैं आया हूँ यहाँ पे घर, तो पेट्रोल की और हमारी दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है। नॉन स्टॉप हमने तीन साढ़े तीन घंटे हमने नॉन स्टॉप बाइक चलाई है,
तो वही आप सोच सकते हो कितना मुश्किल काम है ये भी। गाइस अब जो इसके बाद वीडियो आएगी वो रावण चलते हुए की आएगी, और कोशिश करूंगा जो रावण अभी इस वीडियो में लेटे हुए थे वो मैं आपको खड़े हुए उस वीडियो में भी दिखा दूं। तो अभी फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, अभी एडिटिंग भी करनी है हाथों हाथ। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।